बैक टू माई चैनल। मैं हूँ पूजा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एलोवेरा जेल को हम किन किन अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊँगी कि एलोवेरा किस तरह से अवेलेबल है हमारे पास। फर्स्ट तो नेचुरली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एलोवेरा प्लांट के थ्रू। प्लांट ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, आप जाके कहीं पर भी नर्सरी से खरीद सकते हैं, तो और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। आप जाके उसको खरीदें और नेचुरली आप तो उसके जो लीव्स होती है उसको कट करें, पील करें और अंदर से आप उसको जेल, जो नेचुरल जेल है हमारा एलोवेरा का, उसको लगाएं और यूज़ करें। अब इसमें एक चीज़ है कि आप जब भी उसको एक्सट्रैक्ट करें ना, तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में एक साथ मत काट लीजिएगा, बिकॉज क्योंकि वो थोड़े टाइम के बाद ना ऐसे उसको निकाल के रखेंगे तो वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, आप जितना भी क्वांटिटी में आप यूज़ करें, मतलब जितना भी आप, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जितना आपको चाहिए आप उतना ही लीफ कट करें और उसको यूज़ कर लें। और इन केस अगर आपके पास बच जाता है तो आप उसको फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और उसको ट्राई कीजिए कि विद इन अ वीक आप उसको यूज़ कर लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको नहीं रखना है, बिकॉज वो ख़राब होने के उसके चांसेस होते हैं। अब सेकेंडली, अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो आप जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, एलोवेरा जेल्स होती हैं या लोशंस होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी एलोवेरा के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार लिंक कर दूँगी, जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे पता है आप वहाँ से जाके एक बार चेक कीजिए, उनका रिव्यू भी पढ़ लीजिए, आप ऑनलाइन देख लीजिए, उसके बाद आपको जो भी ठीक लगे आप वो ले लीजिएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि वो इतना नेचुरल तो नहीं होता है, ऑब्वियसली उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या और भी कुछ केमिकल्स एडेड होते हैं। तो कंपनीज लेकिन मतलब क्लेम करती हैं कि हाँ 99% है, 100% है, बट हाँ ऑब्वियसली मतलब अगर आप उसको 3 साल तक, उसकी एक्सपायरी डेट उसकी 1 साल, 2 साल या 3 साल की होती है, ऑब्वियसली उसमें कुछ केमिकल्स तो एडेड है ना, जो कि मतलब उसको इतनी देर तक उसको रख पाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं, तो नेचुरल तो वो नहीं। बट बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके एलोवेरा जेल्स बहुत ही अच्छे हैं। और वो अपना बताऊँ तो मैं अभी करंटली जो यूज़ कर रही हूँ ये इंडस वैली की बायो ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी, मतलब मेरी स्किन पे बहुत सूट करती है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। एंड बट इसका भी जैसे इसका कलर भी ग्रीन है तो इसमें कलर भी एडेड है और आई एम श्योर इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होंगे। और इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसको लगाने के बाद ना बहुत सूदिंग सी फीलिंग आती है, मतलब बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है ये आपकी स्किन को ना। और इसमें जो फ्रेग्रेंस है ना वो रोज़ पेटल की आती है, वो बहुत ही अच्छी, बहुत सूदिंग सी लगती है। आई एम नॉट श्योर कि वो अच्छा है कि नहीं है, वो केमिकल है कि नहीं है, बट हाँ इसको लगाने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मेरी स्किन पे इसको लगाते हैं। और आपको मैं बहुत सारे और भी इससे बेटर ब्रांड्स भी हैं जिनकी एलोवेरा काफ़ी अच्छी है, वो मैं आपको सारे जितने भी एलोवेरा के ऑप्शन हैं ना अच्छे ब्रांड्स के, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख के बता दूँगी, आप वहाँ जाके एक बार देख लीजिएगा, उनके रिव्यूज़ भी आप पढ़ लीजिएगा पहले ऑनलाइन, फिर उसके बाद आप उनको उनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएं अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो एलोवेरा जेल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसको मल्टीपल तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट बेनिफिट जो मैं इसका बताती हूँ, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर। द फर्स्ट वन इज मॉइस्चराइजर, आप एलोवेरा जेल को मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है जिनके लिए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है जो जिनकी ऑयली स्किन है। ठीक है गाइस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ईजिली ना ये अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, तो आपको फील नहीं होता है, मतलब ऑयलीनेस फील नहीं होती है। बहुत ही अच्छा, मतलब मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है, आई मीन एलोवेरा जेल को इनको यूज़ करना चाहिए एज अ मॉइस्चराइजर। फॉर ऑयली स्किन आई वुड रिकमेंड कि आप एलोवेरा जेल यूज़ करें। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है कि आप इसको मेकअप प्राइमर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्राइमर में अलग से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, अभी आप मेकअप सीख रहे हैं, एलोवेरा जेल लगाइए और उसको एज अ प्राइमर यूज़ कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है स्किन ना थोड़ी टाकी हो जाती है, थोड़ी स्टिकी हो जाती है, आपका बेस जो फाउंडेशन होता है वो अच्छे से आपकी स्किन पे मतलब स्टिक कर जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको एज अ प्राइमर यूज़ करें। हाँ, अगर मैं दूसरे प्राइमर से कंपेयर करूँ तो वो उतना अच्छा इफेक्ट तो ऑब्वियसली नहीं होगा,
बट हाँ काफ़ी हद तक आप इसको प्राइमर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा सनबर्न्स हो रखे हैं तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, आप इसको ज़रूर लगाइए, ठीक है। क्योंकि इसका जो मेन पर्पज़ होता है ना, जो इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है, बहुत काम करता है ना, तो बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग सा फील होता है आपको स्किन पे ना जब आप इसको यूज़ करते हैं। तो सनबर्न अगर आपके हैं तो बहुत थिक लेयर आप इसको लगाइए और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, आई एम श्योर। आप ट्राई कीजिए, आप कुछ दिन तक इसको कंटिन्यूसली लगाइए और आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रीजी हेयर के लिए, आप इसको एज अ सीरम यूज़ कर सकते हैं। आपके फ्रीजी हेयर है, जैसे मेरे बहुत फ्रीजी हेयर है, स्पेशली मानसून तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हेयर हो जाते हैं, एंड जो फ्लाई अवे होते हैं ना बहुत ज़्यादा हमारे, तो उनको ये उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इसको सीरम की तरह अपने पाम में लीजिए, थोड़ा सा सिरप कीजिए और ऐसे अपने हेयर्स में से हल्का हल्का इस तरह से आप इसको लगा लीजिए। तो उससे क्या, अभी मैं आप यू ऑन फिले मैंने अभी भी वो लगा रखा है थोड़ा सा, तो क्योंकि अभी मानसून सीजन है तो मैं बाल, मुझे शूट के लिए बाल सेट करने होते हैं, ठीक है। बट मानसून सीजन के कारण वो थोड़ी देर के बाद फिर से ऐसे थोड़ा फ्रीजीनेस आ जाता है, फ्लाईवेज तो आ ही जाते हैं, अभी शायद थोड़े आ गए हो, एंड उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऐसे इसको जेल को लगा लिया था जो मेरे पास है। अब नेक्स्ट इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर जब आप वैक्सिंग करवाते हैं ना गाइस, आप इससे करते हैं तो कुछ लोगों की स्किन ना बहुत सेंसिटिव होती है, जिससे मेरी भी बहुत सेंसिटिव है, तो उस पर ना बम्प्स आ जाते हैं इरिटेट कर रहे हैं, जो वैक्सीन के बाद जो बम्प्स होते हैं ना बहुत इरिटेटिंग होते हैं गाइस, बहुत ही मतलब इचीनेस होती है उस पर, तो बहुत ही अनइजी सा फील होता है। तो एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है उनके लिए, आप यूज़ करिए, ठीक है। उस पर अच्छे से आप लगाइए, अच्छे से उसको मसाज कीजिए, उस पर आपके जो बम्प्स हैं उन पर काफ़ी इफेक्ट करेगा ये, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो अगर कुछ लोगों के बालों में डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, कुछ किसी की मानसून नहीं होती है, किसी समर नहीं होती है, किसी विंटर्स नहीं होती है ना, तो उस केस में आप अच्छे से आप ये लीजिए और इसको अपने रूट्स पर अप्लाई कीजिए और उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए तो आपको इफेक्ट नज़र आएगा कि आपके डैंड्रफ कम हो गया है। लास्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मेकअप रिमूवर, क्योंकि जब आप मेकअप, कुछ लोग जैसे मेकअप रिमूवर खरीदते हैं, मैं भी खरीदती हूँ, ठीक है, जब मेकअप रिमूव करती हूँ, बट हाँ अगर आप अलग से नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप एलोवेरा जेल को यूज़ करिए हाथों में, ऐसे कुछ गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लीजिए और उसको ऐसे रब करिए और अच्छे से मसाज कीजिए अपने फेस पे, और उससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट मिलेगा और आपकी स्किन के लिए भी वो अच्छा है और अच्छे से ना आपका मेकअप जो होता है वो रिमूव हो जाता है, स्पेशली आईज़ का, क्योंकि बहुत ही ग्रीसी होता है ये ना, मतलब ग्रीसी इफेक्ट होता है जब हम इसको अप्लाई करते हैं, बाद में इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से आपका जो मेकअप है ना वो निकल जाता है। तो उसके बाद आप उसको नैपकिन से या टिश्यू पेपर से आप उसको क्लीन कर लीजिए अच्छे से और फिर फेस वॉश कर लीजिए, बस दैट्स इट गाइस, आपका मेकअप सारा इजीली से उतर जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये मेरी कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई एलोवेरा जेल को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और जैसे मैंने पहले बोला, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अच्छे एलोवेरा जेल्स अवेलेबल है मार्केट में उनका लिंक ज़रूर छोड़ दूँगी, आप वहाँ पे चेक कीजिएगा। एंड अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर उसके पास अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ उसके पास मैंने बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप नोटिफाइड रहें।